नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल ट्रैफिक पुलिस का एक बार फिर से चेकिंग अभियान लगातार जारी है और लगातार करनाल पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। और आज बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। जो महिलाएं घर से निकलती हैं, दस्तावेज पूरे नहीं होते, हेलमेट नहीं डाला होता, उनकी चेकिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का आप दस्ता देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है और साथ में मुंह भी मीठा किया जा रहा है। किस चीज़ का मुंह मीठा हो रहा है जी? वो मैडम की प्रमोशन होगी। अच्छा जी, अच्छा, चलो मैडम की प्रमोशन होगी इसलिए मुंह भी साथ साथ मीठा किया जा रहा है। और सेक्टर 12 की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक बार फिर से चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और महिलाओं की बड़ी संख्या में यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से आप देख सकते हैं जहां पर एक बार फिर से चेकिंग अभियान यहां पर चलाया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा जिन लोगों ने मास्क नहीं डाले होते उनके चालान किए जा रहे हैं, जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। कुछ लोग हालाँकि फ़ोन पर भी बात करवाना चाहते हैं लेकिन बात करने से साफ इनकार किया गया। लगातार करनाल पुलिस द्वारा सेक्टर 12 में करनाल के अलग अलग चौकों पर चेकिंग की जा रही है। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 स्थित लाल बत्ती चौक से, जहाँ पर आज ट्रैफिक पुलिस अपना चेकिंग अभियान चला रही है। अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं तो अपने दस्तावेज कम से कम पूरे रखिएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, वो आज यहाँ पर चेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाओं को भी रोका जा रहा है, सभी को रोका जा रहा है और बड़ी संख्या में जो महिला कांस्टेबल हैं उन्हें भी साथ ड्यूटी पर लगाया गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी फ़ोन पर ज़रूर सभी बात कर रहे हैं लेकिन दस्तावेज फ़िलहाल नहीं दिखाए जा रहे। आप सभी लोगों से अपील कि घर से निकलते वक्त अपने दस्तावेज़ों को पूरा रखें, हेलमेट अपने डालकर रखें और उसके बाद ही घर से निकलें। और देख सकते हैं कि जिन लोगों ने, यानी कि वाहनों के दस्तावेज़ पूरे नहीं रखे हुए, उनके चालान यहाँ पर आज किए जा रहे हैं। आप सभी ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहाँ पर सामने लाल बत्ती चौक है और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी हुई है और सभी के चालान किए जा रहे हैं जिनके पास पूरे दस्तावेज़ नहीं हैं। लगातार ये चेकिंग अभियान चल रहा है लेकिन बावजूद इसके जो हेलमेट है वो नहीं देखा जाता, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं होते और इसीलिए जो चालान है वो किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ना हेलमेट है, ना लाइसेंस है, पूरे दस्तावेज़ नहीं है और ऐसे लोगों के जो चालान हैं वो करनाल पुलिस द्वारा फ़िलहाल किए जा रहे हैं, जिनके कारण सही होते हैं, जो सही रीज़न बताते हैं और अगर कोई मजबूरी भी लगती है तो उन्हें ज़रूर वार्निंग देकर छोड़ा जाता है। लेकिन जहां पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि जानबूझकर दस्तावेज साथ में नहीं रखे हुए, उनके चालान यहां पर ज़रूर ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाइक सवार हैं, इनके पास भी हेलमेट नहीं था और लाइसेंस भी शायद है या नहीं है, एक बार पूछ लेंगे। और आरसी बताया जा रहा है कि एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि आरसी एक्सपायर हो चुकी है और ऐसे में अब क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ना तो लाइसेंस पास में है, ना हेलमेट पास में है, आरसी एक्सपायर है। इंश्योरेंस है इनके पास? कुछ भी नहीं है। क्या क्या चीज़ नहीं है? लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण, आरसी, हेलमेट, कुछ नहीं है सर इनके पास। क्या नाम है भैया आपका? मैं शिवम। तो लाइसेंस है आपके पास? नहीं, अभी है 18 साल। लाइसेंस नहीं है और कागज, मोटरसाइकिल की आरसी भी एक्सपायर है आपकी? इंश्योरेंस नहीं है कुछ है। और कुछ भी, कोई भी दस्तावेज देखिए नहीं है। एक आरसी है जो कि ऑलरेडी एक्सपायर्ड बताई जा रही है और लगातार जो महिला कांस्टेबल हैं उनके द्वारा चालानिंग की जा रही है। हालांकि लोग फ़ोन पर ज़रूर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन फिलहाल और दस्तावेज नहीं है। और देखिए महिला का बात करने का तरीका देखिए कि किस तरह से अपना नाम भी बताना नहीं चाह रही वो और कह रहे हैं कि मैं कॉपी अभी मंगवा कर दे दूंगी आपको, लेकिन दस्तावेज कोई भी पास में
नहीं। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और बात करने का आप तरीका देखिए कि एक तो दस्तावेज़ नहीं है पास में, और ऊपर से बात करने की यानी क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो आपको बात करने का तरीका भी सिखा ना सके। अरे देखिए किस तरीके से ये बात कर रहे हैं पुलिस कर्मचारियों के साथ, यानी कि एक तो दस्तावेज़ नहीं है और ऊपर से बात करने का तरीका भी आप देख सकते हैं। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। दो लड़कियां थी जिन्हें रोका गया था, हेलमेट नहीं था, दस्तावेज़ भी कोई पास नहीं है, और जब डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा गया तो बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अब इनका भी चालान काटा जा रहा है। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास? सर कोई भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रही है अपना, देखो कैसे मुँह चढ़ा रही है लड़की, ये देखो आप ही देखो, कैमरे लगाओ इधर देखो। और आपसे बात भी ढंग से नहीं कर रही, बात भी ढंग से नहीं कर रही है, और हमारे को कह रही है अभी बदतमीजी तरीके से बोलने लग रही है लड़की को कांस्टेबल। और ये अनीता हैं, कांस्टेबल हैं, इन्होंने भी बात जब की तो इनसे भी ढंग से बात उन्होंने नहीं की, और ऐसे में अब इनकी गाड़ी का भी जो चालान है वो काटा जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और डॉक्यूमेंट कोई भी पास में नहीं है, और बात करने का तरीका भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बात पुलिस कर्मचारियों के साथ दोनों द्वारा की जा रही है। एक तो डॉक्यूमेंट नहीं है और ऊपर से मिसबिहेव भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आप मेरा चालान इस तरह नहीं काट सकते, मैं अभी फ़ोन पर बात कर रही हूँ। और ऐसे में अब जो वाहन है, क्योंकि इसके पास मैं बता दूँ ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही कोई आरसी है, ना इंश्योरेंस है, ना हेलमेट है। और देखिए ये एक और जो गाड़ी है उसे रोका गया, हेलमेट भी नहीं है और मास्क भी नहीं डाला हुआ, जबकि लगातार करनाल पुलिस द्वारा ये अपील की जा रही है कि मास्क आप ज़रूर लगाएं, हेलमेट ज़रूर लेकर चलें, और कोई भी दस्तावेज़ ना होना ये एक अलग बात है, और इस तरीके से बात करना वो एक अलग बात है। और ऐसे में इस तरह से अगर बात की जाएगी तो ज़ाहिर तौर पर फिर ट्रैफिक पुलिस भी अपनी वही कार्रवाई करेगी जो करनी चाहिए। ये वो वाहन है जिसकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कोई हर व्यक्ति डॉक्यूमेंट कोई नहीं रखना चाहता, फ़ोन पे बात सब लोग करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर भी देखिए महिलाओं की भी चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं, और फ़ोन पर बात करने के लिए कहा जा रहा है, पहले बात ढंग से नहीं की और उसके बाद फ़ोन पर कहा जा रहा है कि बात कर लीजिए, और शायद अभी इस गाड़ी को इम्पाउंड किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं, क्या किया जा रहा है जी गाड़ी का? सर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इम्पाउंड ही करेंगे। इम्पाउंड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। फोन पे बात करवा रहे थे किसी? फ़ोन पे क्यों करें सर हम बात, किसी लिए बात करें? दस्तावेज़ ही नहीं है। बिल्कुल कोई भी दस्तावेज़ नहीं है, और फ़ोन पर बात करवाना चाह रहे थे, फ़ोन पर बात की नहीं और एक्टिवा को कर दिया इम्पाउंड। और मैं आपको बता दूं कि कपड़ों से ज़रूर ऐसा लगता है कि इंसान पढ़ा लिखा है, लेकिन उससे पहले उसका व्यवहार ये बता देता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। दस्तावेज़ भी पास में नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस कांस्टेबल अनीता सामने खड़ी हैं, इनके साथ सबसे पहले मिसबिहेव किया उन्होंने ये बोल कर कि आप मुझे इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते, जबकि सिर्फ उनका नाम पूछा गया था कि आप अपना नाम बता सकते हैं। और ट्रैफिक पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो वाहन है उनको चेक किया जा रहा है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, और
जो नहीं दिखा पा रहे उन सभी के यहाँ पर चालान किए जा रहे हैं। और HR 75 0700 जो उस महिला की गाड़ी थी उसका फ़िलहाल उसे गाड़ी को इम्पाउंड किया जा रहा है। आप सभी ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 से, जहाँ पर करनाल पुलिस द्वारा ट्रैफिक चालानिंग करते हुए वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनके मास्क चेक किए जा रहे हैं और गाड़ियों की चालानिंग भी की जा रही है जिन वाहनों ने। और ये देखिए कोऑपरेट कर रहे हैं भी, आप हेलमेट का क्यों नहीं करा चलान, आप जब क्या करे आपको आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कोई, तो कोऑपरेट कैसे करे? अगर यूं क्या होगा तो वहाँ दिखाना कोई पैसे नहीं लगेंगे आपके, बात ही खत्म। आप चलान घर पे दे दो, फिर चाबी दो उसकी गाड़ी की जनाब। और गाड़ी की चाबी मांगी गई है, गाड़ी इम्पाउंड की जा रही है। और इस सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल के सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं कि जो पैसे की गर्मी है वो किस तरह से दिखाई जा रही है। बात करने का तरीका आप देखिए कि मैं आपको चाबी क्यों दूं, चाबी तो मेरी है। और ये चलान अब किया गया और गाड़ी को इम्पाउंड यहाँ पर किया गया। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 की 32 से आप देख रहे हैं और चाबी मांग रहे हैं उनकी एक्टिवा की, क्योंकि गाड़ी को बताया जा रहा है कि अब इम्पाउंड कर लिया गया है। और सीधी तस्वीरें इस समय सेक्टर 12 से आप देख रहे हैं जहाँ पर लगातार पुलिस चालान काट रही है उन वाहनों के जिनके पास दस्तावेज़ नहीं है, हेलमेट नहीं है, और ख़ासकर उनके जिन्हें बात करने की तरीके का भी नहीं पता कि बात कैसे की जाती है, क्योंकि ये तो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हुआ है अभी कि किस तरह से जो सामने महिला खड़ी है इन्होंने बात की और ये कहा कि आप मेरा चालान कैसे काट सकते हैं। जब आप इस तरह की चुनौती देंगे तो ज़ाहिर तौर पर पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती हुई नज़र आएगी ही, और काफ़ी चालान अभी तक किए जा चुके हैं। और फ़ोन पर बात करने के लिए कह रही हैं कि एक बार फ़ोन पर बात कर लीजिए। और फिर से महिलाओं को रोका गया है जिनके पास हेलमेट नहीं है और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं जहां पर करनाल पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गाड़ी को अब इम्पाउंड किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या गाड़ी को और चालान बाहर निकाल दिया। कितने का चालान हुआ देखिए जरा, चालान कितने का हुआ, कितने का चालान हुआ जी इसका? आपका नाम क्या अंकल? सर 15,000 का चालान है। 15,000 रुपए का चालान काटा गया है और कह रहे हैं कि एक्टिवा की मैं चाबी नहीं दूंगी। और 15,000 रुपए का चालान काटा गया और एक्टिवा की चाबी देने से भी इनकार कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि चाबी मांग रहे हैं, चाबी मैं नहीं दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और नाम पूछा है कि क्या है और यहाँ से, और देखिए बिना चाबी दिए यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चाबी महिला पुलिस कांस्टेबल ने मांगी और चाबी देने से इनकार यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चाबी देके गए आपको? नहीं सर, चाबी देके नोगा, मैं नहीं देती चाबी सर। आपने भी मांगी मैम चाबी? हाँ सर, कई बार मांगी, चाबी नहीं दे रही हूँ। मिसबिहेव भी किया आपसे? हाँ सर, बिल्कुल किया है। तो आप देख सकते हैं कि चाबी मांगी गई है।
चाबी देने से इनकार कर दिया है और लगातार चलान अभियान यहां पर जारी है। करनाल पुलिस द्वारा लगातार लोगों को बताया जाता है, समझाया जाता है कि कम से कम अपने जो दस्तावेज हैं वो साथ लेकर चलें, लेकिन बावजूद इसके दस्तावेज कोई लेकर चलने को तैयार नहीं है। और ऊपर से आप, यानी मैं हैरान हूँ इस अकड़ को देखकर कि अगर दस्तावेज नहीं है तो कम से कम माफ़ी मांगी जा सकती है, वार्निंग ली जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है, लेकिन इस तरह भी क्या कि ये कहा जाए कि मैं चाबी नहीं दूंगी, आप मेरी गाड़ी का चालान कैसे काटेंगे, आपने मुझे हाथ कैसे लगाया, आप बार बार मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और चाबी फिलहाल मांगी जा रही है लेकिन चाबी देने से इनकार कर दी चाबी। और एक और वाहन को रोका गया है, विदाउट हेलमेट जा रहे थे। और ये देखिए, फ़ोन पर सभी बात करवाना चाहते हैं। और फ़ोन पर सभी बात करवाना चाहते हैं, चालान कोई कटवाना नहीं चाहता। हालांकि आप देख सकते हैं कि कोई दस्तावेज़ नहीं होता पास में, और ऐसे में सभी फ़ोन पर बात करवाना चाहते हैं कि कम से कम बात करवा देंगे तो छूट जाएंगे। और चाबी लेने के लिए जो महिला कांस्टेबल हैं वो जा रही हैं, क्योंकि चाबी उन्हें नहीं दे रहे, और देखना होगा कि चाबी दी जाती है या नहीं दी जाती, और किस तरह से जो ये पूरे का पूरा चालानिंग प्रक्रिया आज होती है। लगातार करनाल पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं उन वाहनों के, जिन वाहनों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, हेलमेट नहीं है। चालान कोई भी नहीं कटवाना चाहता, बचना सब चाहते हैं। और ये देखिए, कह रहे हैं कि जब तक हमारी कवरेज चलेगी तब तक हम चाबी नहीं देंगे किसी को। और फिलहाल चालानिंग प्रक्रिया अपनी ज़ोर शोर से चल रही है। और जो रिकॉर्डिंग रोकी गई थी वो इसलिए रोकी गई थी क्योंकि उनका कहना है कि आप इस तरह से लगातार, यानी कि जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं, जबकि हम दोनों ही पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बात करने का तरीका है वो भी आपने देख लिया कि किस तरह से लगातार करनाल पुलिस द्वारा जो चालानिंग प्रक्रिया वो की जा रही है। कुछ लोग अच्छे से बात करते हैं, कुछ लोग अपनी दिक्कत बताते हैं, कुछ लोग अपनी समस्या बताते हैं, उन्हें वार्निंग से ज़रूर छोड़ा जाता है, लेकिन जो इस तरीके से बात करते हैं, जाहिर तौर पर चालान के साथ साथ ये भी पता लगना चाहिए कि आप कितना ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, वो पढ़ाई लिखाई सामने दिखाई भी देनी चाहिए। ये भी पता लगना चाहिए कि जो पढ़ाई लिखाई आपके परिवार ने आपको करवाई है वो कम से कम, यानी कि आपको ये भी सिखाती है, सभ्य तरीका ज़रूर सिखाती है। अगर यानी कि अपनी बात को सही ढंग से रखा जाए तो मुझे, मैं जानता हूँ लगातार हम लोग कवर करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को वार्निंग देकर छोड़ा भी जाता है, किसी को सिर्फ हेलमेट का चालान काट कर छोड़ दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, आप अपने दस्तावेज नहीं लेकर आए, एक हेलमेट का चालान आप कटवा लीजिए। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि आप मेरा चालान किस तरह से काट सकते हैं, आप मेरा नाम कैसे बार बार पूछ सकते हैं, आप मुझसे चाबी कैसे मांग सकते हैं, तो जाहिर तौर पर वो दिखाना भी हमारा काम है, क्योंकि जब पुलिस किसी के साथ गलत करती है तो मीडिया वो भी दिखाता है, लेकिन जब पब्लिक किसी सरकारी अधिकारी के साथ, सरकारी कर्मचारी के साथ गलत करती है तो जाहिर तौर पर वो भी हमें दिखाया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के सेक्टर 12 से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।